हाय एंड वेलकम टू इट्स बागेश्रीज कलर बॉक्स और मैं लेकर आई हूँ एक कलरफुल सा फेस्टिव डेकोर। रक्षाबंधन डेकोर का ये पार्ट टू वीडियो समझ लीजिए। और इसे बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ ये ग्लास बॉटल्स और ये टेराकोटा दिया कटोरीज और साथ ही ये एक प्लेटफॉर्म है जिसे भी मैं यूज़ करूँगी। ये काफ़ी हैवी सा है। सो लेट्स बिगिन विथ बॉटल डेकोरेशन। इसके लिए ले लिया है मैंने ये गोल्डन 3D आउटलाइनर। सो इस 3D आउटलाइनर से मैं थ्रू आउट बॉटल में रैंडम शेप्स बनाते जाऊंगी। वो एक मेक को किसी तरह से कनेक्ट करते रहे, बस इसका ही ध्यान रखा है। ये एक बहुत ही कॉमन सी टेक्निक है, बट ये मेरे घर में मेरे पास अवेलेबल नहीं था, सो मैंने सोचा कि इसका ही डेकोर बना दिया जाए। और इसके पूरे 4 साइड्स मैंने इसी तरह से कनेक्ट किए हैं दोनों बॉटल्स पे। इन दोनों बॉटल्स पे 3D आउटलाइनिंग हो चुकी है और मैंने इसे थोड़ा सा ड्राइंग टाइम दिया था। यहाँ हो रही है बहुत तेज़ रेड अलर्ट वाली बारिश, सो इस मौसम में चाय तो बनती है और साथ ही DIY भी करेंगे। सो जैसे कि मैंने दिखाया है, यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं ये ग्लास कलर्स और मैं इसमें के लगभग सारे शेड्स यूज़ करूँगी। एक कलर सेलेक्ट करके मैंने उसे अलग अलग जगह फिलअप करने का कोशिश किया है। सो हर एक सेक्शन को मैं 1 by 1 इसी तरह से फिलअप करते जाऊंगी। ये एग्जैक्टली कैसे टर्न आउट होगा इसका आइडिया तो मुझे नहीं था, बट मैं इतना श्योर थी कि मुझे फुल कलर फिल्ड एंड ब्राइट कलर्स वाला ही एक DIY चाहिए था। फेस्टिवल्स में एकदम सटल कलर वाले डेकोर शायद मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा वाइब्रेंस होना चाहिए, थोड़ा गोल्डन शाइन होनी चाहिए या जो भी मेटेलिक शाइन एक होनी ही चाहिए। और बीच बीच में जो भी ब्लॉक्स मैंने छोड़ रखे थे उसमें मैं फिल कर रही हूँ ये गोल्डन कलर। फेस्टिवल्स में इस तरह के कलर फ्लैशेस मूड लिफ्ट करते हैं, बहुत अच्छा एक एटमोसफियर क्रिएट करते हैं। इसको थोड़ा और ब्यूटीफाई करने के लिए ये स्मॉल कुंदन बीड्स मैं यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ। ये सीक्वेंस बीड मैंने पूरे चारों कॉर्नर्स पे लगाए हैं बॉटल के। ये वाटर बेस्ड ग्लास कलर है, सो इसे सिक्योर करने के लिए मैंने वार्निश का यूज़ किया है, लेकिन मैंने बहुत ही लाइट हैंडेडली इसे ब्रश किया है क्योंकि स्प्रे वार्निश मेरे पास नहीं था। नेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किए कुछ कलर्स इन दिया कटोरीज को कलर करने के लिए। और यहाँ बना दी है मैंने बेसिक सी डिज़ाइन, बट ये जो भी डिज़ाइन मैंने बनाई है ये बहुत ही फेवरेट है मुझे। ये लीव पैटर्न्स बहुत पसंद आते हैं, स्पेशली सर्कल कटोरीज के लिए। और इन पर भी मैंने इंडियन कलर कॉम्बिनेशन ही दिमाग में रखा है। जो भी DIYs बनाए हैं वो मैंने हर एक को अलग से डिस्प्ले भी किया है और इनका मिलजुल के कैसे डेकोरेशन करना है वो भी मैंने टुवर्ड्स द एंड शेयर किया है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इन्हें मैं 2-way कलर कर रही हूँ सो दैट ये दोनों साइड से यूज़ हो सके। इसके पहले मैं इन्हें पूरी तरह से डेकोरेट करूं, मैंने इसको सबसे पहले वार्निश लगा दिया है।
वॉर्निश से कलर सिक्योर हो जाता है और उसके साथ ही क्लीनिंग में बहुत ही आसान हो जाता है, तो डस्टिंग या क्लीनिंग कभी भी ड्राई क्लॉथ से बहुत ही रिफ्रेश लुक कर देता है किसी भी डेकोर का। इसके बाद मैं इसको आउटलाइन दूंगी गोल्डन कलर से। सो जितने भी पीसेस मुझे लगा कि जो भी डिज़ाइन एरिया में मुझे गोल्डन से आउटलाइन करनी है या हाईलाइट करना है, वहाँ पर मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा ड्राई गोल्डन कलर लेके इसे ब्रशअप किया है। कर रही हूँ कुछ मिरर्स, ये थोड़ा और इसे एनहांसमेंट देगा और ब्यूटीफाई करेगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की ओर। ये प्लेटफॉर्म जो थोड़ा सा हेवी सा है, ये काफ़ी दिनों से ब्लैंक पड़ा था, मुझे इसे डेकोरेट करना था, उसके लिए ये मैंने ले लिया है ये डेकोपाज शीट। ये बहुत बहुत कॉमन है बट इसका डिज़ाइन मुझे आज भी पसंद है। सो जो बेसिक डेकोपाज टेक्निक है वही फॉलो कर रही हूँ। मॉड पॉज ग्लू की हेल्प से इसे वन बाय वन मैंने स्टिक किया है। हाइलाइटिंग के लिए मैंने अपना फेवरेट गोल्डन कलर चूज़ किया है। इससे मैं इसका थ्रू आउट हाइलाइटिंग करूँगी एज़ यू कैन सी। इसके एजेस पर भी मैं गोल्डन से अच्छे से ब्रशिंग कर रही हूँ। इसे मैं दोनों तरीके से यूज़ करना चाहूँगी, लाइक एज अ डेकोर ट्रे या तो इसे एज अ फ्रेम यूज़ कर सकती हूँ। दोनों में ही ये इक्वली ब्यूटीफुल दिखेगी। सो ओवरऑल ये जो मिक्स शाइनिंग है ये कुछ इस तरह से दिख रही है। मैं इसे रेजिन से सील करना चाहती थी मगर वेदर सही नहीं है, इसीलिए मॉड पॉज से ही फ़िलहाल सील करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्लोज़र लुक और डेकोरेशन की ओर। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लग रहा हो और आप यहाँ तक भी पहुँच गए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हो तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब करें। आगे मैंने इकट्ठे इन्हें अरेंज किया है और डेकोरेशन किस तरह से इनका क्लबिंग किया है ये शेयर किया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। राखी मेकिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हो अगर नहीं देखी हो तो। इस डेकोरेशन पीस को मल्टीपल वेज में अरेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसे सजा सकते हैं। ये बनाने में काफ़ी सेटिस्फाइंग रहा और ये दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत पसंद आया है। एंड अगर आपको पसंद आया है और लाइक नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you.
सो यहाँ कंप्लीट होता है मेरा राखी मेकिंग एंड डेकोरेशन वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी गिफ्ट हैम्पर डेकोरेशन वीडियो, जो इस सीज़न में काफ़ी काम आता है. सो आई विल सी यू विथ माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड, एंड आई अप्रिशिएट योर टाइम. सी यू, बाय बाय.